अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल आमिर अहमद ऑफिशियल। अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज इंशाल्लाह एक दुआ आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, तो उस दुआ को पढ़ने का यानी इतनी उसकी बरकत है कि मैं क्या बताऊँ। आप हदीस पाक सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ऐसी बरकत है। इस दुनिया में कौन मुसलमान है जो शैतान से नहीं बचना चाहता? तो ये दुआ इसका मेजर तो रोल यही है कि ये शैतान से बचाने की दुआ, यानी इस अगर बंदा इस दुआ को पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह दवजल शैतान के वारों से बच जाएगा, गुनाह करने से बच जाएगा, यानी वो नेकियों की तरफ इंशाअल्लाह दवजल रागिब होगा अगर वो इस दुआ को पढ़ेगा। तो ये दुआ आपको स्क्रीन पर अब दिख रही होगी, इसकी ज़ियारत कर लीजिए दुआ की। तो ये दुआ हमें जो है इसको याद करने की कोशिश करनी है, इसको हम याद कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा, और जब भी हमें वक्त मिले तो हम इस दुआ को पढ़ते रहें तो इंशाअल्लाह इसके बड़े फवायद हासिल होंगे। तो आइए आपको हदीस पाक में आप सुना देता हूँ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटी सी दुआ के बारे में क्या फरमाया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये कलिमात दिन में 100 बार कहे तो उसका ये अमल 10 गुलाम आजाद करने के बराबर होगा। 10 गुलाम आजाद करने के बराबर, और उसके नामे अमाल में 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 नेकियां भी लिखी जाएंगी, और उसके 100 गुना माफ कर दिए जाएंगे, 100 गुना भी माफ कर दिए जाएंगे, और ये कलिमात उस दिन शाम तक शैतान से उसकी हिफाजत करेंगे। यानी जिस दिन इसने पढ़ा उस दिन शाम तक यानी रात होने से पहले पहले तक उसकी जो है शैतान से हिफाजत करेंगे, और कोई शख्स उससे बेहतर अमल लेकर नहीं आएगा मगर वो जिसने उससे ज्यादा ये अमल किया। यानी इस अमल से यानी 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ने इसकी फजीलत ऐसी है, कोई बंदा इससे ज्यादा अमल लेकर नहीं आएगा। हाँ, वो आ सकता है जिसने ज्यादा मरतबा ये दुआ पढ़ी हो, यानी ज्यादा ये दुआ को पढ़ा हो इससे ज्यादा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी फजीलत बयान फरमाई, इसकी बरकत बयान फरमाई। तो हमें चाहिए कि इस दुआ को हम याद कर रहे हैं, दोबारा आपको स्क्रीन में दिख रही होगी दुआ ये, तो इसको दुआ को याद करने की कोशिश करें, और जब भी वक्त मिले कसरत के साथ इसको पढ़ने की कोशिश क्या करें। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी में जो है शैतान से हमारी हिफाजत होगी, और जो भी हमने इसके फजाइल सुने इंशाअल्लाह ये हमें जरूर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो फायदेमंद लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये देखिए एक्सक्लूसिव हैंडमेड इस्लामिक कैप, आपकी शादी का मौका हो या महफिल नातो बयान हो, आप इसको कहीं भी पहन सकते हो। आप चाहो तो इसको अपने पीर मुर्शिद को या अपने मस्जिद के इमाम साहब को या अपने वालिद या अपने रिश्तेदार दोस्त वगैरह को भी तोहफा कर सकते हो। टोपियों का सारा कलेक्शन देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर आज ही विजिट करें। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचले, इन नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले।